नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी 24 और मैं हूँ आपके साथ खुशी। चोरों की घटना, जी हाँ, चोरी की घटना तो आपने बहुत सुनी होगी, पर एक घटना जो है, जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं, ये भागलपुर के जीरो माइल की है। जी हाँ, जहाँ पे रेशम भवन में चोरी की घटना जब चोर अंजाम दे रहा था तो उसको एक महिला ने रंगे हाथों पकड़ा और उसकी जमकर पिटाई कर दी। पहले आप देखिए कि कैसी हालत हो रखी है उस चोर की। कपड़ा लेके भाग रहा था, बाहर से लेके भाग रहा था। खोलिए, अभी पहले उद्घाटन होने दीजिए, अभी रुकिए ना। आपने देखा कि चोर की हालत इतनी बुरी हो चुकी है एक महिला से मार खाने के बाद। यूं ही हम लोग महिला को कमजोर कराते हैं, जिसने इतने बड़े भवन में चोरी होने से बचाया, साथ ही पुलिस को भी सूचना दी। मौके पर पुलिस तो पहुंच गई, लेकिन पुलिस ने भी महिला की काफी तारीफ की है। अब आप सुनिए कि क्या कुछ कहना है उस महिला का। अभी अभी रेशम भवन में स्टॉल लगा हुआ है, जिसमें मेरा भी स्टॉल है यहाँ पे, और हम लोग को अभी स्टेल्स की तरफ बुलाई गई थी प्रोजेक्ट के लिए। मैं गई, सारा स्टॉल खाली था, अचानक से मैं पीछे पलट के देखी तो मेरे स्टॉल के नीचे एक आदमी बैठा, थैला लिए हुआ था, और मेरा पर्स झट से थैला में रखा और जाने लगा। मैं लपक के पकड़ी उसको, दी जितना मेरे में ताकत था मारने के, मेरा छोटी छोटी है, हाथ कट गया। क्या नाम है आपका? अभी आपने पूरी घटना को महिला की जुबानी जाना कि किस तरीके से चोर वहां अक्सर आया जाया करता था, और एक दो बार कुछ न कुछ चोरी होने की घटना भी सामने आई है, जैसे कि बाइक चोरी हो जाना, कभी साइकिल चोरी हो जाना, छोटी छोटी चीजें चोरी होती थी, लेकिन कभी चोर पकड़ा नहीं गया। लेकिन इस बार महिला की सूझबूझ के वजह से चोर को ना सिर्फ पकड़ा गया, बल्कि चोर पुलिस की गिरफ्त में भी आ गया है। ऐसी तमाम खबरों से अवगत रहने के लिए बने रहे एनबीसी 24 के साथ, और अगर आपने हमारा चैनल अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे विजिट कर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।